भीलवाड़ा के चैनपुरा स्थित श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र में 7 अप्रैल को मूल नायक मंदिर के मुख्य प्रतिमा पुण्यार्चक परिवार का मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा सम्मान किया गया। 7 अप्रैल को भीलवाड़ा के चैनपुरा स्थित श्री चवलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र में मूलनायक मंदिर के मुख्य प्रतिमा पुण्यार्चक परिवार का सम्मान मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। मुजफ्फरनगर निवासी और बेंगलुरु प्रवासी श्री विनोद कुमार, श्रीमती शीला जी, अक्षत और छाया जैन को मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री भागचंद बंसल, मंत्री श्री कैलाश चंद सोगड़ी ने पुण्यार्चक परिवार का सम्मान किया। तीर्थ क्षेत्र पर आगमन के बाद भक्तों ने प्रभु के दर्शन और अभिषेक कर अपने कर्मों की निर्जरा की, साथ ही चमलेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर के अतिशय को अपने शब्दों में बताया। वास्तव में इस बाबा का ही चमत्कार है। इस बाबा के चमत्कार को जब हम 3 वर्ष पहले यहाँ पर हमने दर्शन किए थे, हम इस बाबा के ही होकर के रह गए और हमारा पूरा परिवार इस बाबा के प्रति समर्पित है। और उससे ज़्यादा परम कृपा हमारे ऊपर निर्यापक मुनि पुंगसुदा सागर महाराज की है, जिनके आशीर्वाद से और जिनकी अनुकंपा से और जिनके कृपा से हम अपने जीवन में जो भी कुछ कार्य कर पा रहे हैं उनके अनुकंपा से और उनके आशीर्वाद से ही संभव हो पा रहा है। और यहाँ पर जो समस्त कमेटी है और जितने भी पदाधिकारी हैं और जो भी आसपास के चौलगी समाज है, वास्तव में उनकी जितनी सराहना की जाए वो बहुत कम है। उनका इतना वात्सल्य दिन रात मिलता है, हालांकि 3 साल बाद हमारा आना हुआ, लेकिन 3 साल में उनसे जैसे जब भी संवाद होता वो हमारे वास्तव में हमारे दिल में बसे हुए हैं। और उनका जीवन में हमें इतना प्यार मिला, हमारी इतनी उम्र हो गई 65-70 साल की, इतना प्यार हमें किसी समाज का नहीं मिला जितना समाज हमें चमलेश्वर समाज का मिला और यहाँ के पदाधिकारी का मिला। लेकिन इसका इतना चमत्कार है कि लोग हमें चमलेश्वर वाले कहने लगे, क्योंकि हम चेलेश्वर के प्रति मन से समर्पित हैं, तन से समर्पित हैं, धन से समर्पित हैं। और तीसरी बात, हम गुरु कृपा हमारे ऊपर इतनी है कि वो भी कहने लगे कि चेलेश्वर वाले आए हुए हैं, उनकी व्यवस्था कर देना। वो आए हैं क्योंकि हमें चेलेश्वर वाले बाबा को उन्होंने हमारे दिल में बसा दिया है, कण कण में, छन छन में हम उन्हीं की कृपा से रह रहे हैं। और हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि आज हम चेलेश्वर वाले बाबा के चरणों में साक्षात पधारे हैं। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत परम सौभाग्यशाली गर्व के साथ महसूस करती हूँ कि मुझे ऐसे गुरुवर मुनि श्री पुंगव सुधा सागर महाराज जी को अपने गुरु बनाने का और उनके आशीर्वाद मिला है, और ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का आशीर्वाद मिला है हमारे पूरे परिवार को। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे माता पिता मिले हैं कि जिनकी वजह से हमें इतने अच्छे संस्कार मिले हैं कि हम अपने आप को और जैन धर्म को आगे चला पा रहे हैं। और पूरे चवलेश्वर जैन समाज का तहे दिल से अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ। प्रभु आराधना करने के बाद पुण्यशाली परिवार ने संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र के दर्शन किए और तीर्थ क्षेत्र पर चल रहे मंदिर निर्माण के कार्यों का जायजा लिया। जैन फोकस के लिए भीलवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।